दोस्तों आज मैं दिखाने वाला हूं कि भारत के अंदर सबसे सस्ती बिकने वाली बाइक। तो दोस्तों सबका सपना होता है कि उनके पास एक ना एक बाइक हो। ज़्यादातर जो लड़के हैं वो चाहते हैं कि भाई हमारे पास बाइक हो, और कुछ ये चाहते हैं कि यार सस्ते दामों में ही हमें बाइक मिल जाए। तो दोस्तों मैं बताऊँ कि भारत के अंदर इससे सस्ती बाइक आपको कहीं नहीं मिलने वाली। पर दोस्तों प्लीज़ बस ये मत कहना कि एक्सेल 100 जो है इससे भी सस्ती है, ये मत कहना, वो भी TVS की है। बट दोस्तों ये जो बाइक है जिसे बाइक कहते हैं, ठीक है ना, तो ये बाइक है TVS की KLS, ठीक है, TVS स्पोर्ट KLS। इसके बारे में मैं आज डिटेल्स में थोड़ा आपको बताने वाला हूँ। और दोस्तों इसको लिए हुए मुझको 1 साल हो चुका है। जी हाँ दोस्तों, इसको 1 साल हो चुका है। बाइक कैसी है, क्या है, मैं इसकी डिटेल्स बताऊँगा। सबसे पहले इसके जो फीचर्स हैं वो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। तो दोस्तों ये जो बाइक है काफ़ी शानदार बाइक है। कलर आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छी लगती है, और जो लुक है दोस्तों लुक भी काफ़ी प्यारा लुक है। मुझे ये लुक इसका काफ़ी शानदार लगा। दोस्तों ये आपको पता ही है कि दोस्तों पेट्रोल जो है, फ्यूल टाइप जो है पेट्रोल टाइप है ये। बाकी इसमें ये तो है नहीं कोई डीजल से चलने वाली बाइक, तो आजकल आ ही नहीं रही है, बाकी सब पेट्रोल वाली है, लेकिन बताना पड़ता है फिर भी। तो दोस्तों मैक्सिमम जो पावर है इसकी वो 8.18 BHP की है, 7,150 RPM पर है, और जो टॉर्क है इसका 8.7 Nm का है, जो कि 4,500 RPM पर न मिलता है। तो दोस्तों ये जो इंजन है इसका वैसे 100cc का है, लेकिन कंपनी जो लिखती है वो 109cc लिखती है, सिंगल सिलेंडर एयर कूल्ड जो है ये है। बाकी दोस्तों इसके जो ब्रेक्स हैं देखेंगे आप, तो इसके ब्रेक देख लीजिए कि किस तरीके के हैं। ये आजकल सभी बाइकों में ऐसे मिल रहे हैं, ड्रम ब्रेक जो है देखने के लिए मिलते हैं। इसमें अलॉय व्हील मिल जाते हैं, और काफ़ी अच्छे से बाइक को मैनेज किया गया है, सब चीज़ें हैं। बाकी आइए आज कुछ चीज़ें जो है इसके बारे में डिटेल्स में देख लेते हैं। तो दोस्तों जो इग्निशन है CDI इग्निशन है इसका, और ट्रांसमिशन की बात करें तो 4 गियर्स का ऑप्शन यहाँ पर मिलने वाला है। 17 इंच के जो है इसके टायर्स मिल जाते हैं, और जो फ्यूल इंजेक्शन टाइप जो है ये मिलता है इसका इंजन। बाकी बात करते हैं इसकी कि जो टैंक है इसका वो टैंक कैसा है इसका। तो दोस्तों जो इसका टैंक है 10 लीटर का टैंक रहता है। सामने से देखेंगे लुक तो काफ़ी अच्छा है। DR लैंप्स जो है इसमें मिल जाते हैं, 2 बल्ब मिलते हैं साइड में, और बीच में जो इसका मेन हेड लैंप है वो जो है हेलोजन का है। दोस्तों आगे नंबर प्लेट, नीचे की तरफ नंबर प्लेट मिल जाएगी। मडगार्ड काफ़ी शानदार है, अच्छा है, मजबूत है, और जो ये हॉर्न देख रहे हैं दोस्तों सबसे बेस्ट क्वालिटी इसके हॉर्न की। दोस्तों मैंने अभी तक किसी भी बाइक में इतना गजब का हॉर्न नहीं देखा। इसका जो साउंड है काफ़ी बढ़िया है, मस्त है एकदम, मतलब तेज भी है, लाउड भी है, ठीक है। बाकी इंजन देख सकते हैं आप, इंजन को जो है किस तरीके से रखा गया है, काफ़ी अच्छा है। जो स्प्लेंडर में आता है ना वो आगे, वो मुझे थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता है, लेकिन इसका जो इंजन है वो मुझे काफ़ी अच्छा लगता है। बस एक चीज़ इसमें मिस कर दी गई है कि जो नोब होती थी ना पेट्रोल को ऑन ऑफ करने की, वो नहीं दी गई है इसमें, बस ये चीज़ है, तो ये मैंने काफ़ी मिस किया। बाकी ETFI टेक्नोलॉजी का यूज किया गया है। तो कंपनी कहती है कि जो ETFI टेक्नोलॉजी है वो 15% एक्स्ट्रा जो है माइलेज देती है। अब माइलेज की सुन लो दोस्तों, माइलेज जो है 70 का देती है। जी हाँ दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि सस्ती बाइक भी हो माइलेज भी काफ़ी अच्छा दे, तो माइलेज के मामले में तो दोस्तों इसका तोड़ है ही नहीं। बजाज की CT 100 ले लो और ये स्पोर्ट ले लो, दोनों का सेम ही माइलेज मिलता है इसमें, तो माइलेज के मामले में काफ़ी अच्छी है। बात करें मजबूती की इसकी, तो दोस्तों मजबूती भी सामने आप देख सकते हैं, काफ़ी अच्छे से जो है बाइक को मैनेज किया गया है, काफ़ी मजबूत भी है। और जो चैन कवर है दोस्तों, बस ये मुझे सही नहीं लगता है, इसका चैन कवर जो है ये प्लास्टिक का दिया गया है, फाइबर है, वैसे टूटेगा नहीं जल्दी से, इतना है। और बाकी अभी तक आजकल देखेंगे जो बाइक आ रही हैं उनमें जो है ये चैन कवर जो है मेटल का नहीं मिलता है, अधिकांश सब यही दे रहे हैं। पता नहीं भैया जो है कॉस्ट कटिंग करने की वजह से है या क्या है, कह नहीं सकते। बाकी स्पोर्ट की ब्रांडिंग मिल जाएगी। सस्पेंशन दोस्तों जो है पीछे वाले सस्पेंशन काफ़ी मस्त है दोस्तों, 5 स्टेप एडजस्टेबल है, हाइड्रोलिक है, सो जो एब्जॉर्बर है ये, तो ये काफ़ी अच्छे हैं, इसको एडजस्ट कर सकते हैं, तो इसमें 5 स्टेप मिलते हैं, ठीक है ना, यानी कि 5 बार इसको जो है आप एडजस्ट कर सकते हैं, तो ये चीज़ इसमें दी गई है। तो सस्पेंशन बढ़िया है, कोई कंजूसी नहीं है। और टॉप स्पीड की भी बात करेंगे इसमें कि टॉप स्पीड कैसी रहने वाली है। ब्रेकिंग सिस्टम जो है इसका SBT है। आगे के जो ड्रम ब्रेक हैं दोस्तों, 130 mm के ड्रम ब्रेक मिलते हैं, पीछे के 110 ड्रम हैं, ड्रम ब्रेकिंग है। और जो जो टायर्स हैं इसमें दोस्तों ट्यूबलेस टायर नहीं मिलते, क्योंकि कॉस्ट कटिंग करनी है ना कंपनी को, तो वही बात है।
तो यहाँ पर जो है 17 इंच के जो है टायर्स मिलते हैं, वो भी ट्यूब टाइप। ठीक है, फ्रंट में सस्पेंशन आपने देख ही लिया, टेलीस्कोपिक जो है ऑयल्ड डैम्प्ड सस्पेंशन है, ये आप देख ही सकते हैं। अब मैं इसकी बात करता हूँ कि इसमें जो पेट्रोल है, क्योंकि ये BS6 है दोस्तों, तो BS6 में जो रिजर्व पेट्रोल है तो उसकी कैपेसिटी है 2 लीटर की, यानी कि 2 लीटर इसमें रहना ही चाहिए। तो ये बड़ी बात हो गई, यानी कि पहले वाली बाइक में तो ऐसा नहीं होता था, लेकिन बाइक जब से मैंने ली मैंने कहा भाई ठीक है अब तो लेनी पड़ेगी, क्या करें, BS6 है। दोस्तों अब और चीज़ देख लेते हैं, इसका जो वेट है 110 केजी का है, लेंथ 1950 mm की है, विद इसकी 750 mm की है, ओवरऑल जो इसकी हाइट है 1080 mm की है, व्हील बेस इसकी बात करें व्हील बेस की तो 1236 mm की है, ग्राउंड क्लियरेंस की बात करें तो 175 mm की ग्लाव जो है ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाती है, और सीट हाइट की बात करें तो 790 mm की है, और जो है चेसिस की बात करें तो चेसिस दोस्तों इसका आपने देखा ही होगा क्योंकि सिंगल इसमें वो मिलता है सिंगल ग्रिडल, तो वो चीज़ आप देख ही सकते हैं कि थोड़ा सा इसे डबल होता स्प्लेंडर की तरह तो और भी मजबूती हो जाती। बाकी आप देख सकते हैं इसमें ओडोमीटर कैसे मिला हुआ है इसमें, ठीक है, तो जो ओडोमीटर है आप देख सकते हैं जो एनालॉग है, और चाबी से ऑन ऑफ इसको कर सकते हैं, तो बाकी सब चीज़ें जो है नॉर्मल सी दी गई हैं, कोई ज़्यादा मतलब इसमें वो नहीं किया गया है। बाकी इसमें चार्जिंग वाला जैसे मोबाइल वाइल चार्ज करना हो वो चीज़ दे दी थी तो यार मज़ा ही आ जाता, लेकिन नहीं दिया गया, पता नहीं भाई कॉस्ट कटिंग करनी थी, तो वो चीज़ें इसमें दे दी गई हैं। बाकी दोस्तों आप देख ही सकते हैं बाकी सब चीज़ें मिल जाएंगी आपको, जैसे कि ऑन ऑफ करना हो तो लाइट जलाने के लिए वो अलग से जो है थ्रोटल भी है, हाँ दोस्तों मतलब बाइक में थ्रोटल तो मिलेगी ही दोस्तों, और ये आप देख ही सकते हैं ओवरऑल लुक बढ़िया है, बैजिंग वगैरह जो चीज़ें की गई हैं वो कुल मिला के सही हैं। अब इसका रेट बता दूँ दोस्तों, तो रेट है इसका 67,500, तो 67,500 रुपये में ये आपको, आप कहीं से भी इसको परचेज़ कर सकते हैं जहाँ पर भी TVS का शोरूम हो गया, तो वहाँ से आप ये ले सकते हैं बाइक, और बाइक ठीक ठाक है, बढ़िया है। अब कमियाँ जो है वो मैं अगली वीडियो में बताऊंगा दोस्तों, कि अगली वीडियो में मैं पूरा बता दूंगा कि इसकी कमियाँ क्या है, और एक साल के अंदर मैंने जो कमियाँ इसकी ढूंढी है दोस्तों वो आपको अचंभित कर देंगे कि हाँ भाई इस बाइक को लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, वो आप पर डिपेंड करेगा, वो मैं अगली वीडियो में बताऊँगा। अभी तो आप इस वीडियो का मजा लो, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर दीजिए दोस्तों, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, आगे एक से एक बढ़िया वीडियो मैं आपको पहुँचाने की कोशिश करूँगा। बाकी आप कमेंट में भी करिए कि मैं किस बाइक के ऊपर वीडियो बनाऊँ। तो दोस्तों ये जो चैन कवर है ये यहाँ भी थोड़ा प्लास्टिक का दे दिया है, अगर यहाँ पर भी मेटल दे देते तो थोड़ा अच्छा हो जाता, लेकिन क्या है भैया कॉस्ट कटिंग करनी थी तो कंपनी ने ये सब कांड कर दिया। तो दोस्तों इसमें कलर भी काफ़ी सारे हैं, ब्लैक कलर में भी मिल जाएगा और ब्लैक रेड में मिल जाएगा, काफ़ी सारे कलर हैं, लेकिन दुनिया में भैया ये दो ही कलर मिल जाते हैं, ब्लैक या ब्लैक रेड। तो दोस्तों TVS का ये बेस मॉडल था, कैसा आपको लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें, आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया। दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।